विशेषज्ञों के अनुसार, एक्सपर्ट लोगों के अनुसार अगर हमको वायरल से बचना है तो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। वैज्ञानिक जगत में एक शब्द प्रचलित है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, यानी मनोदशा। यदि हमारे भाव संवेग नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो इसका हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पर असर पड़ता है और इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है। यदि हमारे भाव संवेग सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो हमारा इम्यून सिस्टम पावरफुल होता है। अनेक वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन की जांच कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। ऐसे समय में स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी के अंदर ऐसी विधाएं हैं जो ऋषियों मनीषियों के द्वारा, तीर्थंकरों के द्वारा समय समय पर इन विधाओं के बारे में बताया गया है, और इन विधाओं को अपनाकर हम हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसके प्रणेता है आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। मैं आपको बताने जा रहा हूं, स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी में हमारे पास ऐसी विधाएं हैं जिसके अंदर आसन प्राणायाम ध्वनि मुद्रा, जिसको अपनाकर हम अपने स्वास्थ्य में चार चांद लगा सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं ऐसी विधा क्या है। अभी मोदी जी ने महाप्राण ध्वनि और ध्यान का, डीप ब्रीदिंग का प्रयोग कराया, ये भी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, डीप ब्रीदिंग। और जब हम ध्यान किया हमने तो ये ज्ञान मुद्रा की, फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाया। ये मुद्रा बहुत पावरफुल है और ध्यान में विशेष दो मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है, ज्ञान मुद्रा और वितराग मुद्रा। ये मुद्रा रोग प्रतिरोधक भी है और रोगों का इलाज भी करती है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसके साथ ही इस मुद्रा से कितना फायदा होता है आप जानिए। ये मुद्रा हमारे पूरे मस्तिष्क के स्नायु मंडल को प्रभावित करती है, जैसे अनमनापन, घबराहट, आवेग, डिप्रेशन, क्रेकनेस, पागलपन, स्ट्रेस, यहां तक मृगी रोग का इलाज इससे संभव है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, शॉर्ट टेम्परेचर है, बात बात में बिगड़ जाते हैं, वो लोग पहले ये मुद्रा करें और फिर डीप ब्रीदिंग करें, लंबा गहरा सांस लें, तो दो मिनट में उनका गुस्सा पूरा शांत हो जाएगा। इसके अलावा भी इस मुद्रा से इतने लाभ है, आप सुनेंगे तो चकित रह जाएंगे कि हमारा शरीर कितना अद्भुत है और कितनी बीमारियों का इलाज करता है। यह मुद्रा से हमारा मेमोरी पावर बढ़ता है। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से मिलाए, इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं, नॉलेज पोस्चर। ये मुद्रा दोनों हाथों से होती है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए, अगर राइट हाथ से करेंगे तो हमारा लेफ्ट अंग प्रभावित होगा और लेफ्ट से करेंगे तो राइट अंग प्रभावित होगा, तो मुद्रा दोनों हाथों से करना चाहिए। और ये ज्ञान मुद्रा में कोई समय सीमा नहीं है, जितना चाहे उतने समय तक कर सकते हैं। बाकी मुद्राएं 45 मिनट की जाती है, लेकिन इसमें कोई समय की सीमा नहीं है। छोटे बच्चे जब छोटे होते हैं तो पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं, उनका मेमोरी पावर अच्छा होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनका मेमोरी पावर डाउन हो जाता है, आईक्यू स्तर गिर जाता है। इसके कई कारण है, मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला कारण ये, बच्चे कटके करते रहते, पूरे दिन चटके करते हैं कुछ बच्चे, जो गलत आदतों का निर्माण हो जाता है। कुछ बच्चे पंजे लड़ाते हैं और कुछ स्टूल पर या टेबल पर बैठ के अपने पैरों को ऐसे हिलाते हैं। आपको जानकारी होगी, जो राजस्थान में हमारे बहुत सुंदर कहावत है, बैठे बैठे पैर मत हिलाओ, मामा को दोष लगता है। अभी एक्सपर्ट लोग ये कह रहे हैं बैठे बैठे पैर हिलाने से मेमोरी पावर डाउन होता है, तो बच्चों को इन तीनों आदतों से छुटकारा दिलाइए और फिर नियमित रूप से ये मुद्रा करवाइए, और साथ में अभी जो मोदी जी ने महाप्राण ध्वनि बताई वो करवाइए और डीप ब्रीदिंग का प्रयोग करवाइए। तो आपके बच्चों को जो आपकी इच्छा है, 90 प्लस लाना है, स्कूल टॉप करना है, कॉलेज टॉप करना है, वो आराम से करेगा। छोटे बच्चों को भी ये शिकायत होती है कि हमें याद नहीं रहता,
लेकिन बड़े बुजुर्गों की भी ये शिकायत रहती है कि अब हमारी उम्र हो गई, याद रहना कम हो गया, तो उनके लिए भी रामायण। और जो एकदम वृद्ध होते हैं उनको अल्जाइमर की तकलीफ हो जाती है, तो ये मुद्रा करने से वो तकलीफ दूर हो जाती है। अभी आप सभी इस मुद्रा में बैठ के देखिए, 2-3 मिनट में आपको यहाँ नाड़ी का स्पंदन महसूस होने लगेगा। आप सब साथ में प्रयोग करते जाइए। ये मुद्रा माइंड से रिलेटेड है, तो जिन लोगों को नींद नहीं आती है, स्ट्रेस में रहते हैं और नींद की गोलियां लेते हैं, अगर वो ये मुद्रा नियमित रूप से करते हैं तो उनको नींद अच्छी आने लगेगी। और जिन लोगों को बहुत ज्यादा नींद आती है तो भी यह मुद्रा करने से उनकी नींद कंट्रोल हो जाती है। अब माइंड से रिलेटेड बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इन सब में मुद्रा बहुत अच्छा काम करती है। जिनको माइग्रेन की तकलीफ है, आधा सीसी दर्द होता है, तो पहले आप ये ज्ञान मुद्रा करिए और फिर प्राण मुद्रा, थर्ड और फोर्थ फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, इसे कहते हैं प्राण मुद्रा। फर्स्ट 15 मिनट ज्ञान मुद्रा और फिर 15 मिनट ये प्राण मुद्रा दिन में 3 बार करने से माइग्रेन के दर्द में छुटकारा मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी मुद्रा है। अगर कोई ये मुद्रा नियमित करता है तो कॉस्मेटिक यूज करने की जरूरत नहीं, चेहरे पर एकदम फर्स्ट क्लास इससे ग्लो आ जाता है और चेहरे पर चमक आ जाती है। तो ये ज्ञान मुद्रा, और भी ज्ञान मुद्रा से अनेक फायदा है, लेकिन मैं मेन बता रहा हूं क्योंकि संक्षिप्त में आपको ज्यादा बताना चाहता हूं, तो ये ज्ञान मुद्रा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कोरोना का मुकाबला करने के लिए। देखिए, अभी हमें कोरोना के साथ रहना पड़ेगा, कोरोना अभी तक गया नहीं है, तो हम कोरोना को कैसे कंट्रोल कर सके और उस पर कैसे विजय प्राप्त कर सके, अब एक ऐसी मुद्रा बताने जा रहा हूं जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बनाती है, वह है प्राण मुद्रा। थर्ड फिंगर और फोर्थ फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, सेंस दोनों उंगलियां सीधी और फिर दोनों हाथ थाई पर रख दीजिए, यह है प्राण मुद्रा। जैसा कि नाम से विदित हो रहा है, जिस तरह गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाती है और फिर उसे पुनः चार्ज करने पर रिचार्ज होती है, उसी तरह यह मुद्रा करने पर हमारी शरीर रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। और यह मुद्रा अगर कोई व्यक्ति 1 घंटा नियमित करता है तो उसे वायरल कोई भी इफेक्ट नहीं सताएगा, कोई वायरल इंफेक्शन उसको नहीं होएगा, और इससे इम्यूनिटी सिस्टम एकदम इतना स्ट्रांग हो जाता है जिससे हम बाहरी बीमारियों से आराम से बच सकते हैं। हर व्यक्ति को कम से कम 1 घंटा ये मुद्रा अवश्य करना चाहिए, जिससे कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। इसके अलावा इस मुद्रा में 3 तत्व मिलते हैं, अग्नि, पृथ्वी और जल। तीनों तत्व इतने पावरफुल है, जब ये तीनों तत्व मिलते हैं तो हमारी रक्त वाहिनियों में रक्त का प्रवाह इतना तीव्र गति से होता है, जो उसमें अवरोध आता है उससे हट जाता है। दूसरी बात, यह मुद्रा आंखों के लिए बेहतरीन है। अगर आंखों के चश्मे के नंबर 2-2.5 नंबर तक हो और नियमित रूप से 1 से 2 घंटा तक व्यक्ति करे तो आंखों का नंबर कम हो सकते हैं, क्योंकि आजकल ये कंप्यूटर की दुनिया है, मोबाइल की दुनिया में पूरे दिन लोग इससे लगे रहते हैं तो आंखों की तकलीफ हो जाती है। यह मुद्रा करने से आंखों की किसी भी तरह की तकलीफ दूर हो जाती है। जिनको हाइपर थायराइड है, कितना भी खाते हैं लेकिन बॉडी नहीं बन रही है, थायराइड के स्राव संतुलित नहीं और हाइपर है, तो यह मुद्रा करने से हाइपर थायराइड की तकलीफ दूर हो जाती है। जिन लोगों को पैरों में क्रैम्प्स आते हैं, जिनको हम बोलते हैं बाइंटा, ना मारवाड़ी में बाइंटा बोलते हैं, खींचाव आता है, तो यह मुद्रा करने से पैरों में जो खींचाव आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, वो दूर हो जाते हैं। गले में जलन हो, पेट में जलन हो और अल्सर कोलाइटिस हो तो उससे इसमें आराम मिलता है और एनर्जी लेवल हमेशा बना रहता है। जो लोग तपस्याएं करते हैं, 8 दिन की तपस्या, कोई मास कमर करता है, तो यह मुद्रा करने से तपस्या बहुत आराम से होती है, भूख प्यास नहीं सताती है। पुराने जमाने में ऋषि लोग जंगलों में रहते थे और इस मुद्रा से इतनी एनर्जी प्राप्त कर लेते थे तो उनको भोजन करने की आवश्यकता नहीं रहती थी। तो यह मुद्रा एकदम बेहतरीन है और बेहद हर व्यक्ति को करना चाहिए। अभी हमारे यहाँ 3 महीने से लगातार इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रशिक्षण सुबह शाम आधा घंटा दिया जाता है परीक्षा ध्यान सेशन के साथ, तो यह लोगों का यह अनुभव रहा है कि 3 महीनों में हमें कोई भी किसी भी तरह की तकलीफ नहीं हुई, तो ये मुद्रा बहुत अच्छी मुद्रा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आजकल ब्लड प्रेशर की बीमारी काफी लोगों को, लगभग 60 से 70%, इसमें युवा भी है, वृद्ध भी है,
जिसकी गोलियां जिंदगी भर लेनी पड़ती है और ये कि साइलेंट किलर की तरह है, लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, या तो वह LIC की जांच करवाता है तब मालूम पड़ता है, या बेहोश होकर हॉस्पिटलाइज होता है तब मालूम पड़ता है, और जिंदगी भर इसकी गोलियां खानी पड़ती है। मैं आपको एक बेहतरीन मुद्रा बता रहा हूं, जिसको आप नियमित करेंगे तो डॉक्टर की राय लेते हुए अपनी गोलियां भी कम कर सकते हैं और हाई ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। आइए पहले अंगुलियों में अंगुलियां फंसाएं, इंटरलॉक, इसकी चार स्टेप है। अब राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को ऊपर रखें, फर्स्ट फिंगर को, राइट हैंड का थंब लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर के मूल भाग पर लगाएं, पहली अंगुली के मूल भाग पर लगा दीजिए, और लेफ्ट हाथ का अंगूठा राइट हाथ के अंगूठे से क्रॉस कर दीजिए। यह है हाई ब्लड प्रेशर मुद्रा, उच्च रक्तचाप मुद्रा। आपको आश्चर्य होगा, यह मुद्रा करते ही हमारा ब्लड प्रेशर डाउन होने लगता है और आधा घंटा बैठने पर आपको महसूस होगा मेरा ब्लड प्रेशर कम हो गया है। यदि आपको अजमाना है तो आज ही आप इस सेशन के बाद अजमाइए, अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिए और फिर यह मुद्रा कर ले। और फास्ट डाउन करने के लिए राइट नोस्टिल बंद कर दीजिए इंडेक्स फिंगर से, लेफ्ट से श्वास लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। इससे तुरंत ये चंद्रवेदी प्राणायाम है, लेफ्ट से श्वास लेना, लेफ्ट से छोड़ना, दोनों प्रयोग साथ में करने पर बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है। और आप चाहते हैं कि मेरी ब्लड प्रेशर की गोलियां बंद हो जाए तो नियमित रूप से करिए, डॉक्टर की राय लेके, बिना डॉक्टर की राय के कभी गोली बंद ना करें। तो यह हाई ब्लड प्रेशर मुद्रा समझ में आ गई होगी, एक बार रिपीट कर रहा हूं वापिस। अंगुलियों में अंगुलियां फंसाएं, फर्स्ट फिंगर राइट हैंड की ऊपर रखें, राइट हैंड का अंगूठा फर्स्ट फिंगर लेफ्ट हैंड की उसके मूल भाग पर जड़ में लगाएं और लेफ्ट हैंड के अंगूठे से इसको क्रॉस कर लीजिए। इस तरह ये मुद्रा बन गई। आप अगर चंद्रवेदी प्राणायाम के साथ करते हैं तो बेहतरीन है, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन फास्ट रिजल्ट के लिए राइट नोस्टिल आप बंद कर दीजिए। तो यह है हाई ब्लड प्रेशर मुद्रा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, सेकंड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। यह है स्काई पोस्चर, इसे कहते हैं आकाश मुद्रा। वैसे मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि पांच उंगलियां पांच डॉक्टर की तरह कैसे काम करती है। पांच तत्व के बारे में जान लीजिए, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जैसा ब्रह्मांड है वैसे ही हमारा शरीर बना हुआ है। ब्रह्मांड भी पांच तत्वों से बना है और हमारा शरीर भी पांच तत्वों से बना है, अग्नि वायु आकाश पृथ्वी और जल। जब ब्रह्मांड में इन तत्वों की घटा बढ़ी होती है तो कहीं बाढ़ आती है, कहीं तूफान आता है, कहीं भूकंप आता है, कहीं सुनामी लहरें आती है। उसी तरह हमारे शरीर में इन तत्वों की घटा बढ़ी होती है, अप डाउन होता है, तो हम बीमार हो जाते हैं, या तो फिर हम एलोपैथी की शरण में जाते हैं संतुलन के लिए, या आयुर्वेदिक होम्योपैथिक या विभिन्न पद्धतियों में, या फिर ये अल्टरनेट थेरेपी अहिंसात्मक चिकित्सा पद्धति। और परीक्षा ध्यान में मुख्य आठ अंग है और चार सहायक अंग है, आसन प्राणायाम ध्वनि मुद्रा। तो आसन भी कुछ बताऊंगा, प्राणायाम भी मैंने आपको भी चंद्रवेदी बताया और अभी मैं मुद्रा बता रहा हूं, तो आप इनको अच्छे ढंग से आप सुनेंगे समझेंगे और नियमित रूप से करेंगे तो आपको निश्चित फायदा होगा। आपने ऐसे डॉक्टर कभी नहीं देखे होंगे जो 24 आवर्स आपके साथ रहते हैं। ये हमारे पांचों डॉक्टर एनी टाइम आपके साथ में रहते हैं। आप इनका उपयोग कैसे करते हैं बस वो जानने की जरूरत है। तो अंगूठा है अग्नि तत्व, अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, फर्स्ट फिंगर वायु, सेकंड फिंगर आकाश, थर्ड फिंगर पृथ्वी, फोर्थ फिंगर जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। अब तत्व तो बढ़ गया हो, उसको घटाना हो तो अंगुली के अग्रभाग को अंगूठे के मूल भाग पर लगाते हैं और अंगूठे से प्रेशर, और संतुलित करना हो तो दो चीजें उपयोग होती है, अंगूठे के अग्रभाग को अंगुली के अग्रभाग से लगा दें, और बढ़ाने के लिए विशेष उपयोग भी होता है, अंगूठे का अग्रभाग अंगुली के मूल भाग में लगाते हैं। लेकिन ये दोनों अच्छे हैं, अंगूठे के मूल भाग पर और ये संतुलित करने के लिए ये किया जाता है बेस्ट है। हाँ, तो अभी मैं बता रहा था आपको आकाश मुद्रा, सेकंड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। आपको आश्चर्य होगा, ये मुद्रा करते ही
हमारे शरीर में ऑटोमेटिक कैल्शियम का निर्माण शुरू हो जाता है। जिन लोगों की हड्डियां कमजोर हो, हड्डियों में कटकट की आवाजें आती हो, जरा सा गड्ढे में पैर गिरता है और हड्डी क्रैक हो जाती है, दांत कमजोर हो, दांत हिल रहे हो, तो ये मुद्रा बेहतरीन है, आकाश मुद्रा। इसके अलावा ये मुद्रा हृदय के लगते कोई भी रोग में अच्छा काम करती है। एंजाइना पेन हो, पल्स रेट बरोबर नहीं हो, ब्लड प्रेशर हाई लो हो, तो ये मुद्रा का एकदम लाजवाब है ये मुद्रा। और कैल्शियम की कमी लगभग कई लोगों को होती है तो ये मुद्रा करें। और साथ में सूर्य की किरणें विटामिन डी के लिए, जहां तक अनुभव किया है मैंने, इस दुनिया में विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य की किरणें। तो रोज आधा घंटा सूर्य स्नान करिए, और कोरोना के इस माहौल में भी आधा घंटा सूर्य स्नान करना बेहतरीन है। तो ये मुद्रा बहुत अच्छी है। मुद्रा विज्ञान के अनुसार माला फेरने का विधान इसी अंगुली के बीच में हम रखते हैं, लेकिन आप सब जानते हैं तो इसके ऊपर मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बात जरूर बताना चाहूंगा, मुद्रा विज्ञान के एक्सपर्ट ये कहते हैं कि हम जो चरण स्पर्श करते हैं पूज्य वरों के, ऐसे हाथों को क्रॉस करके करते हैं। अगर मैं कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, सीधा बैठा हूं, तो राइट हाथ राइट पैर से टच होगा, लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर से टच होगा। जो पूज्य वरों के बड़े लोगों के पैरों से ऊर्जा निकलती है वो हमारे लिए कल्याणकारी होते हैं और आशीर्वाद की बड़ी ताकत होती है। पहले हमारे घरों में सिस्टम थे, हम चरणों को स्पर्श करते थे, फिर धीरे धीरे पैरों तक आए, और अभी तो ऐसे ही कर लेते हैं। अगर हर घर में चरण स्पर्श का सिस्टम स्टार्ट हो जाए तो घर स्वर्ग बन जाएंगे। माता पिता के आशीर्वाद में कितनी ताकत है। छोटी सी घटना बताना चाहूंगा, जब हनुमान जी पुल बना रहे थे और पत्थर के ऊपर राम लिख रहे थे, पत्थर तैर रहे थे, जब ये संवाद रावण की प्रजा के पास पहुंचा लंका में, तो रावण की प्रजा ने कहा, अगर राम के पत्थर तैर रहे हैं, अगर रावण का पत्थर नहीं तैरेगा तो हम उनका मुकाबला नहीं करेंगे। तो वो गए राजभवन में और रावण को बुलाकर लाए कि राजन, आपका पत्थर भी तैरना चाहिए तो ही हम मुकाबला करेंगे। रावण ने पत्थर को उठाया, उसके ऊपर रावण लिखा और उस पत्थर को मुंह से लगाया और पानी में छोड़ा तो तैर गया। प्रजा खुश होकर घर पे चली गई, लेकिन रावण जब महलों में पहुंचे तो मंदोदरी ने कहा, प्राणनाथ, राम के पत्थर तैर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुझे समझ में आ गई, लेकिन आपके नाम का पत्थर कैसे तैर गया? तो रावण ने जो जवाब दिया, इतना सटीक जवाब, आप ध्यान से सुनिए। रावण ने कहा, भाग्यवान, मैंने उस पर रावण जरूर लिखा था, लेकिन जब मुंह से लगाया तो उसे कहा, तुझे राम की सौगंध नहीं तैरा तू, इसलिए वो पत्थर तैर गया। तो आशीर्वाद की बहुत बड़ी ताकत है, और माता पिता के आशीर्वाद भी बहुत जबरदस्त होते हैं। तो ये काम हमें सबको स्टार्ट करना चाहिए, तो हमारे घरों में कोई मन मुटाव नहीं रहेगा, घर स्वर्ग बन जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते, देखिए ये मुद्रा से कभी अगर लोग जा हो जाए, आवासी लेते समय जबड़ा फंस हो जाए, तो ये मुद्रा से ठीक हो जाता है। और आप देखिए, हम बहुत बार आवासी लेते हैं तो इस अंगुली से ऐसे चुटकी बजाते हैं, भले हम किधर सीखे नहीं है, लेकिन हमारे संस्कार है, चुटकी बजाते हैं, तो लोग जा में और चुटकी इसी से बजती है। आप देखिए, दूसरे अंगुली से इतनी पावरफुल नहीं बजती, आप ट्राई कर सकते हैं। तो तुरंत इस अंगुली पर रब करिए और चुटकी बजाइए, तो आपका लोग जा इससे ठीक हो जाएगा। अब जिन लोगों को जॉइंट पेन है, घुटने में दर्द, कंधे में दर्द, कोहनी के जॉइंट में दर्द, कहीं भी दर्द है, तो राइट हैंड की थर्ड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, लेफ्ट हैंड की सेकंड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, राइट हैंड से पृथ्वी मुद्रा और लेफ्ट हैंड से आकाश मुद्रा। यह मुद्रा करने से किसी भी तरह के जॉइंट्स में अच्छा आराम मिलता है इससे। तो जिनको जॉइंट्स की तकलीफ है, यह मुद्रा अवश्य करें, इससे लंबे समय के बाद आपको जॉइंट के दर्द से छुटकारा मिलेगा। देखिए, मुद्राओं से इतना सूक्ष्म परिवर्तन होता है जो विज्ञान से भी नहीं होता है। ये मुद्रा टच करते ही हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक काम करने लगते हैं और अनेक तरह की अंदर हमारी प्रक्रिया, सिक्रेशन की प्रक्रिया इससे बदल जाती है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, पृथ्वी मुद्रा थर्ड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, सेंस तीनों उंगलियां सीधी, इसे कहते हैं पृथ्वी मुद्रा। नाखून के ठीक नीचे लगाना है, आप देखिए, ध्यान से देखिए, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये मुद्रा बहुत एनर्जेटिक है और इससे हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है। जो लोग बहुत दुबले पतले हैं,
जिनका अपना वजन नहीं बढ़ रहा है तो ये मुद्रा अवश्य करें, इससे वजन बढ़ता है। लेकिन वो लोग ना करें जो पहले से ही मोटे ताजे हैं, क्योंकि इससे वजन निश्चित बढ़ता है। और जिन लोगों को अध्यात्म की ऊंची उड़ान भरना है तो ये मुद्रा अवश्य करें। पैरों के दर्द के लिए ये मुद्रा बेहतरीन है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, हम भी सुनते हैं, माता पिता बोलते हैं कि हमारा लड़का सुबह से शाम तक खाता रहता है, बहुत खाता है, लेकिन है दुबला पतला, इसका शरीर बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो ये मुद्रा करने से डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाता है। अगर आपके घर में किसी को तकलीफ है तो ये मुद्रा करवाइए, तो हमारा पाचन तंत्र एक्टिव हो जाता है और इससे वजन बढ़ता है। इसके अलावा जिनको एनीमिया है, रक्त कम है, हीमोग्लोबिन कम है, ये मुद्रा करने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। शरीर में विटामिन्स की कमी हो तो ये मुद्रा करने से विटामिन्स की पूर्ति हो जाती है। मैंने तो ये अनुभव किया है, बाजार में जितने भी टॉनिक मिलते हैं अगर वो बंद कर दिए जाए और बच्चे को और सबको ये मुद्रा करवाई जाए तो एकदम वह एनर्जेटिक होगा। मुझे याद आ रहा है वो दिल्ली का सीन, जब आचार्य श्री तुलसी ने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को पछेड़ी ओढ़ाई थी तो उस समय इसी अंगुली से टिक्की लगाकर अंगूठे से तिलक निकाला था, तो ये मुद्रा इतनी पावरफुल है। हम हमारी शक्ति को सामने वाले में संप्रेषित कर सकते हैं। और हमारे घरों में जब हम पूजा करते हैं भौतिक देवी देवताओं की तो हम इसी से टिक्की लगाते हैं, और हम किसी को भी तिलक निकालते हैं तो इसी से टिक्की निकाल के हम तिलक निकालते हैं। तो ये मुद्रा बहुत अच्छी है। और इसके अलावा हर्निया की तकलीफ में भी इस मुद्रा से लाभ मिलता है। तो एनर्जी लेवल बनाने के लिए ये मुद्रा बेहतरीन है। तो प्राण मुद्रा में दोनों मुद्रा साथ में की जाती है तो ये मुद्रा बहुत अच्छी है। अब आगे बढ़ रहे हैं, देखिए डिटेल्स में बोलना तो घंटों घंटों बोलते हैं, लेकिन शॉर्ट करने में थोड़ा सा मैं आपको मेन बता रहा हूं। अब फोर फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, सेंस तीनों उंगलियां सीधी, इसको कहते हैं वरुण मुद्रा। त्वचा संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, खाज, खुजली, दांत, यहां तक सोरेसिस का नाम आपने सुना होगा, शरीर पर काले काले धब्बे हो जाते हैं, बफेलो स्किन हो जाती है, ये मुद्रा करने से अच्छा लाभ मिलता है। ये मुद्रा करने से शरीर में जल तत्व तो बढ़ता है तो चेहरे पर ग्लो भी अच्छा रहता है, लंबे समय तक युवावस्था बनी रहती है। वैसे बुढ़ापे को हम चैलेंज नहीं कर सकते, वो आने वाला है, लेकिन यह मुद्रा करने से चेहरे पर अच्छा ग्लो होता है। अब पानी की कमी के कारण कोई रक्त अशुद्ध हो गया हो तो यह मुद्रा करने से पानी की पूर्ति हो जाती है, तो अशुद्ध रक्त शुद्ध हो जाता है। गर्मी के दिनों में डायरिया हो जाता है, लूज मोशन होते हैं, तो बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, और पानी की कमी होने से व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। और डॉक्टर समय सलाह देते हैं नींबू शक्कर का घोल पीने के लिए देते हैं, तो ये मुद्रा अगर करेंगे तो पानी की पूर्ति हो जाती है। जिन लोगों को डायबिटीज है, किडनी की प्रॉब्लम है, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, तो यह मुद्रा करने से बाथरूम बार बार जो जाते हैं उसमें ऑटोमेटिक कमी आ जाती है और वह सब सिस्टम से हो जाता है। आप एक प्रयोग करके देखिए, आपकी स्किन को चेक करिए, फर्स्ट फिंगर से आपकी स्किन सुस ड्राई है या ऑयली है, जरा चेक कर लीजिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ऑयली स्किन में हमेशा ग्लो रहता है, लेकिन शुष्क है, ड्राई है, तो यह मुद्रा करने से ऑयली मतलब जो ड्राई स्किन है वो ऑयली हो जाती है। और कई लोगों को कई महीनों तक खाज चलती है, खाज बंद नहीं होती है, कई महीनों तक दवाएं खाते रहते हैं, तो यह मुद्रा करने से खाज आना बंद हो जाता है। तो स्किन से रिलेटेड कोई भी बीमारी में मुद्रा अच्छा काम करती है। अगर हमें एसिडिटी है और बुखार के समय यह मुद्रा करें तो इससे फायदा होता है। और बुखार में कभी कभी मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, मुंह सूखने लगता है, तो यह मुद्रा से उसमें हमें अच्छा लाभ मिलता है। तो ये सब बेहतरीन मुद्राएं हैं, और मुद्राएं वैसे कही है, लेकिन मैं हार्ट अटैक के लिए आपको एक स्पेशल मुद्रा बता रहा हूं जो किसी को भी कभी भी काम आ सकती है। हार्ट अटैक किसी को भी कहीं पर भी चलते फिरते बस में ट्रेन में कहीं भी आ सकता है। अगर हम ये मुद्रा जानेंगे तो हम हार्ट अटैक में एक बार सेफ बच सकते हैं। हार्ट अटैक आता है तो आप सब जानते होंगे सिम्टोम क्या है। पहला सिम्टोम है कि इतना पसीना होता है कि हमारे कपड़े सब भीग जाते हैं,
जैसे आप एसी में बैठे हुए हैं, जैसे लगता है किसी ने मटका भर के पानी उड़ेल दिया। फर्स्ट और सेकंड जो बटन है यहाँ पर इतना भयंकर दर्द होता है, सहन शक्ति के बाहर होता है, यहाँ बर्निंग होती है। कई बार हम लोग गलती करते हैं, बर्निंग होती है तो हम एसिडिटी की दवाई लेती रहते हैं फिर भी नहीं जाती है। अगर बर्निंग होगी एसिडिटी की तो वो एसिडिटी की दवाओं से निकल जानी चाहिए, अगर नहीं निकल रही है तो हमें कार्डियोलॉजिस्ट को जल्दी से जल्दी बताना चाहिए। इसके अलावा कभी कभी हमारा हाथ पकड़ लेता है, लेफ्ट हाथ, हम रात को सोते हैं तो हमें लगता है हमारा लेफ्ट हाथ में दर्द हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि हम रात को बरोबर नहीं सोए थे इसलिए हमारा हैंड लेफ्ट हैंड पकड़ लिया। ऐसा नहीं है बंधु, हाथ पकड़ने के दो कारण हो सकते हैं, या तो सर्वाइकल के मनको में तकलीफ हो या फिर हार्ट की तकलीफ हो। क्या हम 50 साल से 60 साल से सो रहे हैं, एक दिन में सोना भूल गए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसके लिए भी हमें कार्डियोलॉजिस्ट को बताना चाहिए। जब कभी ऐसा सिस्टम हो तो आप सिम्टोम हो तो देखिए आप ये मुद्रा करना है जिसका नाम है मृत संजीवनी मुद्रा, अपान वायु मुद्रा। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर, यहाँ जो हड्डी है यहाँ पे लगाएं। बीच वाली सेकंड और थर्ड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाए हैं, यह अपान वायु मुद्रा। सोर्बिटेट गोली का नाम आपने सुना होगा, वो तीन सेकंड में यह मुद्रा काम करती है सोर्बिटेट गोली की तरह। सोर्बिटेट गोली जीभ भाग के नीचे रखी जाती है, लेकिन अगर उस समय हम ये मुद्रा करते हैं तो गैस का गुबार जो हृदय की ओर बढ़ता है वह नीचे सरकने लगता है, हृदय बिगड़ता हुआ रुक जाता है और एक बार हम मौत के मुंह से बच जाते हैं। इतनी पावरफुल मुद्रा है यह मुद्रा। उस ढंग से काम करती है जिस तरह 25,000 50,000 के इंजेक्शन लगते हैं। इन सभी मुद्राओं में हमें एक बात विशेष ध्यान रखना है, प्रेक्षा ध्यान का जो प्रयोग है, डीप ब्रीदिंग, दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग जो मोदी जी ने अभी करवाया था, हर मुद्रा के साथ वो प्रयोग करना चाहिए तो बहुत फास्ट फायदा होता है इससे। इसके अलावा किसी को एसिडिटी हो रही हो, कई वर्षों से हो रही हो, तो यह मुद्रा करने से एसिडिटी भी अच्छी होती है। हृदय के लगते कोई भी रोग में यह मुद्रा बड़ी लाभकारी है। अगर पल्स रेट आपकी अप डाउन हो रही हो, बरोबर नहीं हो, तो यह मुद्रा से पल्स रेट कंट्रोल हो जाती है। एक दहिसर में एक दिलीप भाई करके थे, हॉस्पिटलाइज हुए, उनकी पल्स रेट 80 से 120 तक जंप कर रही थी, नीचे ऊपर हो रही थी। तब उधर से फोन आया तो मैंने यही मुद्रा करने को बोला, आपको आश्चर्य होगा 1.5 घंटे के अंदर उनकी पल्स रेट 80 पर स्टेबल हो गई। जब डॉक्टर ने आके देखा तो डॉक्टर को लगा क्या है, मॉनिटर खराब है, तो मॉनिटर जांच करने वाले को बुलाया तो उसने कहा मॉनिटर बरोबर है। फिर उनसे पूछा गया आपने क्या किया, आपकी मुद्रा एकदम ऐसे स्थिर कैसे हो गई, तो उन्होंने कहा ये मुद्रा की मैंने अपान वायु मुद्रा। पहले डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था लेकिन बाद में उन्होंने रेगुलर करने पर उनको ऑपरेशन भी नहीं कराना पड़ा। ऐसे कई व्यक्तियों के अनुभव है ये मुद्रा बहुत अच्छी है। दांतों में भयंकर दर्द हो रहा हो, कुछ भी तकलीफ हो, उस समय आप ये मुद्रा करिए। सिर फट रहा हो, सिर में दर्द हो, ये मुद्रा करिए। आंखें फड़क रही हो, हमारे भारतीय संस्कृति में आंखों का फड़कना शुभ नहीं माना जाता है, भाइयों की राइट आंख और बहनों की लेफ्ट, ऐसा कुछ विधान है। अगर आंख फड़कती है तो यह मुद्रा करने से आंख फड़कना बंद हो जाता है। हथेली में जलन हो, पैरों के तलवों में जलन हो और कभी पथरी नहीं निकल रही, मुद्रा करने से पथरी भी कभी बाहर निकल जाती है नियमित करने से, तो बहुत अच्छी मुद्रा है अपान वायु मुद्रा। अब इसके अलावा ऐसे कई प्रयोग है प्राणायाम के जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और आचार्य श्री महाश्रमण जी ने एक सुंदर मंत्र बताया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कोरोना पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, जरा खाली 2-3 बार बोलेंगे हम, फिर आप कर सकते हैं। चैताम वासम चक्रवर्ती महिडियो संति संति करे लोए पत्तो गई मनोतरम। चैताम वासम चक्रवर्ती महिडियो संति संति करे लोए पत्तो गई मनोतरम। इस तरह इस मंत्र का 21 बार जाप करें। हमें किसी चीज की एलर्जी होती है, देखिए एलर्जी शब्द ऐसा है, किसी को भाई से भाई को एलर्जी, बहनों से बहनों को एलर्जी, वो अलग है, लेकिन हमारे शरीर को भी कई चीजों से एलर्जी होती है। किसी को गेहूं की एलर्जी, किसी को परफ्यूम की एलर्जी, किसी को एलर्जिक दमा, किसी का साइनस तकलीफ है वर्षों से ठीक नहीं हो रही है, किसी को रंग की एलर्जी, किसी को फूल की एलर्जी, ऐसी कई तरह की एलर्जी है जिसका अभी तक परमानेंट कोई इलाज नहीं है। दवा लेते तो ठीक रहता है
और दवा बंद करते तो वापिस स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मैं एक अद्भुत प्रयोग आपको बता रहा हूं। मेरे पास कई लोग आते हैं जिनका जुकाम 10-10 साल से ठीक नहीं हो रहा है, इस मुद्रा से ठीक हो जाता है। किसी को डस्ट की एलर्जी, ऐसी कई तरह की एलर्जी होती है। देखिए, फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं और सेकंड फिंगर नाखून अंगूठे की साइड में, फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर, सेकंड फिंगर के नाखून के साइड में ये अंगूठा लगाएं, इस तरह साइड में, इस साइड ऐसे, मतलब अंगूठे वाली साइड। इसको भ्रमर मुद्रा कहते हैं। किसी भी तरह की एलर्जी हो इससे दूर हो जाती है। रोज 15-15 मिनट आप दिन में 3 बार करिए, इससे आपकी किसी भी तरह की एलर्जी दूर होती है। लेकिन लगातार करना पड़ता है, जब तक आपको लाभ नहीं मिले तब तक करते रहना है। 1 महीना तक करेंगे तो आपको ऐसी फीलिंग्स आएगी कि मेरी एलर्जी बंद हो गई है। वापिस रिपीट कर रहा हूं, देखिए, फर्स्ट फिंगर अंगूठे के मूल भाग पर यहाँ एक हड्डी है और ये सेकंड फिंगर के साइड में इस तरह लगाना। देखिए, ये देखिए दोनों, ये इस तरह लगाना है साइड में। तो ये है भ्रमर मुद्रा, बेहतरीन मुद्रा है। और वैसे देखिए, आसनों से भी फायदा होता है, प्राणायाम से भी फायदा होता है। अगर ये सब मिलकर करेंगे तो हमारे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता इतनी पावरफुल हो जाएगी। और जब सब लोग ये प्रयोग करने लगे, कल 21 तारीख अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, उसी श्रृंखला में आप लोगों ने प्रोग्राम रखा, सैकड़ों लाखों लोगों ने कल किया सब आसन प्राणायाम। और मोदी जी के सुंदर प्रयास से पूरा विश्व योगमय बन गया है। और भारत के ऋषियों और महर्षियों की विश्व को एक अनुपम उपहार है योग का, जो प्रयोग बताए जा रहे हैं आप अपने जीवन में उतारे। में 3-4 प्राणायाम कम समय में आपको बताना चाहूंगा। इसमें 4 प्राणायाम महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जयी और अनुलोम विलोम। तो 2-2 मिनट में आपको मैं बता दूंगा या 1-1 मिनट में बता दूंगा। भस्त्रिका में ये लोहार की धोंकनी की तरह चलती है, जैसे लोहार की धोंकनी चलती है और अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी तरह हमारे शरीर में गर्मी बढ़ती है और कब्ज संबंधी सभी बीमारियां दूर हो जाती है। आपको जानकारी होगी कि कोरोना का इफेक्टिव एरिया है सीने का पूरा भाग, चेस्ट का भाग, उसके नीचे गड्ढा और ये गला, यहीं पर उसका इफेक्ट आता है। कब बढ़ता है, सर्दी खांसी होती है, सूखी खांसी होती है। जिसको कोरोना होता है उसको क्या होता है, गले में दर्द होता है, गले में खा जाती है, सूखी खांसी चलती है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। तो ये एरिया, अगर ये एरिया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो कोरोना पास में हमारे फड़केगा ही नहीं। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम बहुत जोरदार काम करता है। हम इसमें एक्सरसाइज के साथ करेंगे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे, केवल 10 बार करते हैं। आप मेरे साथ जुड़िए, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, इस तरह हम कर सकते हैं। इसमें फास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो लोग ध्यान रखें जिनके फेफड़े कमजोर हैं, जिनका हार्ट का बड़ा ऑपरेशन हुआ है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, जिनको दमा की तकलीफ है, वो स्लो करें। ये जो अभी मैंने बताया वो कोई भी कर सकता है, और फास्ट भी कर सकते हैं हम ऐसे। संपन्न, तो इस तरह हम फास्ट भी कर सकते हैं, यह भस्त्रिका। और ये दोनों अगर नहीं जमे तो आप सिंपल भी कर सकते हो, केवल लेना और छोड़ना, ये है भस्त्रिका। अब इसके साथ अनुलोम विलोम, लेफ्ट हैंड नॉलेज पोस्चर, राइट हैंड की दोनों उंगलियां मोड़ दीजिए, अंगूठा दाहिनी नासिका पर, स्मॉल फिंगर बाईं पर, त्रिज्यी दोनों भ्रिगुटियों के बीच, सरलता से सीधे बैठे, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी। लेफ्ट से श्वास लें, राइट से छोड़े, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें। यह एक चक्र हुआ, इसे 3 चक्र 3 राउंड कर लीजिए।
संपन्न, ये हो गया अनुलोम विलोम। भस्त्रिका आप 200 स्ट्रोक तक पहुंचिए धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा, ये आप कर सकते हैं 5 मिनट 10 मिनट। अनुलोम विलोम बेहतरीन है, प्राण का संतुलन कर देता है और बेस्ट है। और ये भस्त्रिका और कपालभाति करने के बाद ये जरूर करना चाहिए। अब कपालभाति हम केवल 1 मिनट करते हैं, श्वास छोड़ा पेट अंदर, श्वास छोड़ा पेट अंदर, लेने का टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, शरीर अपने आप व्यवस्था करता है। 1 सेकंड 1 स्ट्रोक, 1 मिनट 60 स्ट्रोक, इसका पूरा ध्यान रखें। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं, एकदम स्लो मोशन में चलें, ज्यादा जबरदस्ती नहीं करना है। अगर थक जाएं तो बीच में रुक जाएं। और कपाल भाति से अनेक बीमारियां ठीक होती है। देखिए दूसरी बात, मैं आपको विशेष बात बताना चाहूंगा, कोरोना बीमारी किन लोगों को संक्रमित ज्यादा करती है? वैसे वृद्ध और बच्चों को, इसके अलावा भी जिनको डायबिटीज हो, हार्ट की तकलीफ हो, दमा की तकलीफ हो, तो इसके साथ इन चीजों पर भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। और हमारा इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होएगा तो सब कंट्रोल हो जाएगी। तो कपालभाति से कई बीमारियां ठीक होती है। यस, ज्ञान मुद्रा, श्वास छोड़े, पेट भीतर भरे श्वास, स्टार्ट। केवल 60 स्ट्रोक करेंगे हम। संपन्न, एक बार अनुलोम विलोम में महाप्राण ध्वनि करेंगे, मुद्रा बना लीजिए केवल 3 बार। अंगूठा दाहिने नासिका पर, स्मॉल फिंगर बाहीं पर, त्रिज्य दोनों भ्रुगुटियों के बीच। लेफ्ट से सांस भरेंगे, राइट से छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि। यस, भरे सांस लेफ्ट से। राइट से भरे, लेफ्ट से छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि। लेफ्ट से भरे, संपन्न। ये अनुलोम विलोम में महाप्राण ध्वनि करने से विजातीय तत्वों का अच्छा निष्कासन हो जाता है और बहुत अच्छे ढंग से होता है। लास्ट उजे बता रहा हूं आपको, गले का जो मध्य भाग है जिसे विशुद्धि केंद्र कहते हैं, यहाँ पर माइंड को फोकस करें, केंद्रित करें और गले में जो गड्ढा है उसको संकुचित करेंगे और धीरे धीरे श्वास भरेंगे। श्वास स्वर यंत्र से स्पर्श करेगा, उसकी जो मधुर मधुर आवाज आएगी वो कानों में सुने, केवल 5 बार करेंगे। यस, गले को संकुचित करेंगे तो आपको फीलिंग्स आएगी, सांस गले से टकरा रहा है स्वर यंत्र से। संपन्न, इसमें एक खेत्री मुद्रा के साथ भी होता है, जीवा को उलटकर अग्रभाग को तालु से लगाया जाता है, उसको खेत्री मुद्रा कहते हैं, उसी में भी ये प्रयोग किया जाता है। केवल 3 बार करेंगे, जीवा को उलटकर तालु से लगाएं और एक प्रक्रिया को दोहराएं। इस तरह प्रयोग किए जाते हैं, तो ये प्रयोग अगर हम सब करेंगे तो निश्चित तौर से हम कोरोना पर बहुत विजय प्राप्त कर सकेंगे। सब्सक्राइब करें एडवांस योग बाय पारसमल दुग्गड़ यूट्यूब चैनल को, जिससे आप बीमारियों से रिलेटेड अनेक वीडियो घर बैठे आपको प्राप्त हो सके और जिसको करके आप अपने स्वास्थ्य में 4 चांद लगा सके। इन वीडियो को अधिक से अधिक आगे से आगे शेयर करें।